अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स के हम लेक्चर सीरीज को स्टडी कर रहे थे और इसी लेक्चर के सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए मैं एक न्यूक्लियर फिजिक्स के और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसके टॉपिक का जो टॉपिक हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे उसका नाम है न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन एंड द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। जी हाँ, आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन क्या होती है और न्यूक्लियर रिएक्शन जो किन किन टाइप के किन किन तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं हम उनको आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर ब जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर द न्यूक्लियर रिएक्शंस? हम न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन को तो बाद में स्टडी करेंगे, उसको समझने से पहले हमें न्यूक्लियर रिएक्शन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाई और वन न्यूक्लियाई एंड अ पार्टिकल फ्रॉम द आउटसाइड कोलाइड टू प्रोड्यूस वन और द मोर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक या दो न्यूक्लियाई या पार्टिकल आउटसाइड से कोलाइड करते हैं आपस में और वो एक और न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट अ रिएक्शन विच इफेक्ट्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा अमल जो एटम के न्यूक्लियस को इफेक्ट करता हो उसको हम कहते हैं कि यह क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। सिंपल हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर एक या दो न्यूक्लियाई या पार्टिकल आउटसाइड से कोलाइड करते हैं आपस में और वो एक और न्यूक्लियाई भी प्रोड्यूस कर देते हैं, या एक ऐसा अमल जो एटम के न्यूक्लियस को इफेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन जनरेट्स एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस ही हो रहे होते हैं जो उसके अंदर एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो बनते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का अमल हो रहा होता है और एज अ रिजल्ट वो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं। वो सारा का सारा न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से ही हो रहा होता है। इन स्टार्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैवियर देन द हाइड्रोजन इन द यूनिवर्स। और जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन से हैवियर हैं उनकी जितनी भी जितनी की जितनी एग्जिस्टेंस है वो की तमाम वो न्यूक्लियर रिएक्शंस ही उनके रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, सो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन बाय द रदरफोर्ड इज गिवन एज, जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि रदरफोर्ड ने दिया था वो क्या था, नाइट्रोजन के कैसा रूप था 14-7 जो कि जिसका रिएक्शन हुआ हीलियम 4-2। ठीक है, एज अ रिजल्ट हमें एक और एटम मिला, एक और न्यूक्लियाई मिला जो कि ऑक्सीजन का था 17-8, और साथ में हमें एक इसके अंदर नतीजे में हमें एक प्रोटॉन भी मिला। तो नाइट्रोजन के ऊपर हीलियम की बॉम्बार्डमेंट की गई तो हमें एक और, देखिए यहां से दो न्यूक्लियाई जब आपस में कोलाइड हुए तो हमें एक और न्यूक्लियाई मिल गया। तो एज अ रिजल्ट ये जो तमाम प्रोसेस हुआ इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन की हमें समझ आगे क्या होता है, देन व्हाट इज अ न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन क्या है? न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ वन न्यूक्लियस, सॉरी इज द कन्वर्जन ऑफ वन न्यूक्लियस इन टू एन अदर न्यूक्लियस। कन्वर्जन, यहां पे वर्ड यूज होगा कन्वर्जन, इट्स मीन कि यहां पे किसी कोई चीज, एक चीज दूसरी चीज के अंदर कन्वर्ट हो रही है। चीज क्या, यहां एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बन गई न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन की, न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वन न्यूक्लियस इन टू एन अदर न्यूक्लियस। सिंस एनी न्यूक्लियस इज डिफाइंड बाई इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। न्यूक्लियस को हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। सो न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन अकर्स इन प्रोसेस वेयर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर चेंज्ड। इसने तो डेफिनेशन को और ही सिंपल कर दिया, यानी कि हम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हम न्यूक्लियस को डिफाइन करते हैं उसकी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो हम न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन की एक और डेफिनेशन इस तरह बना सकते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है वो तब हो रहा होता है जब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हों। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के चेंज होने का मतलब
ये है कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और उसी कन्वर्जन को ही तो हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन होती है। सो द कन्वर्जन ऑफ वन न्यूक्लियस इन टू एनदर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। अ ट्रांसमुटेशन कैन बी अचीव्ड। अब ट्रांसमुटेशन दो तरह की होती है, या तो एक सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं इन विच एन आउटसाइड पार्टिकल रिएक्ट विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर रिएक्शन में या तो ऐसा होगा कि एक आउटसाइड पार्टिकल रिएक्ट करेगा न्यूक्लियस के साथ। एक होता है रेडियो एक्टिव डीके, जो कि रेडियो एक्टिविटी, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो कि खुद ब खुद जो किसी भी आउटसाइड कॉज की वजह उसके लिए उसकी किसी भी आउटसाइड कॉज या किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद उनके अंदर डीके हो रहा होता है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल नीचे दी हुई है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की, जिसके अंदर ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन कैप्चर्ड बाय फिशन है, जिसके अंदर फिशन हो रही है। फिशन फ्यूजन का भी आपको पता होगा कि फिशन के अंदर क्या होता है कि जो दो जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मिल रहे होते हैं, मिलने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे होते हैं और आपस को अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और फ्यूजन के अंदर जो हैवियर न्यूक्लियर होते हैं वो खुद टूट रहे होते हैं, टूट कर वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके अंदर ये एक आइसोटोप है जो कि PU239 है, ये रिएक्ट करता है PU240 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास दो हमें जो है ना वो प्रोडक्ट मिलते हैं फिशन के नतीजे में। सो अबव अ न्यूट्रॉन कैप्चर कॉजेज अ न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239 का न्यूक्लियस है, टू स्प्लिट एंड जनरेट द टू स्मॉलर न्यूक्लियर। उसमें वो स्प्लिट हुआ, ठीक है, और उसने दो स्मॉलर न्यूक्लियर हमें दिए नॉन एज अ फिशन प्रोडक्ट। द प्लूटोनियम एंड द फिशन प्रोडक्ट्स आर द डिफरेंट एटम्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लूटोनियम है, ठीक है, वो प्लूटोनियम और जो फिशन प्रोडक्ट है, ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की टाइप्स, एक तो होती है हमारे पास नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन, एक होती है आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन। नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि खुद ब खुद नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन, जिसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हैवी न्यूक्लियस होते हैं, वो खुद ब खुद टूट रहे होते हैं, वो खुद ब खुद जो है उनका एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा होता है, वो होती है नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि यूरेनियम स्पोटेनियसली डिके है, वो खुद ब खुद डिके हो रहा था, यूरेनियम 238 और 92 है, ये खुद ब खुद डिके हो गए, इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है TH-234-90 और Helium-42। और जो आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन है उसके अंदर हमें एक बम्बार्डमेंट करनी पड़ती है किसी भी अल्फा पार्टिकल की टू फोर्स इट टू डिके। हमें उस आइसोटोप्स को फोर्स करना पड़ता है कि वो क्या करे, डिके हो जाए और एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। वो सी आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन। जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, हमारे पास एलुमिनियम है 227/13 है, उसके ऊपर हमने बम्बार्डमेंट करवाई है Helium-42 की, तो हमें एक न्यू आइसोटोप्स मिल गया P-30-15 और हमें एक प्रोटॉन मिल गया। इस तरह हमारे पास डिफरेंट फोर जो है ना एग्जाम्पल्स लिखी हुई है आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन की। एक जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के लिए, वो हम उसको किस तरह लिखते हैं, हमारे पास दो वेद होते हैं उनको एक न्यूक्लियर रिएक्शन को राइट करने के, जो कि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन को राइट कर रहा होता है, दो तरह के। एक तो सिंपल तरीका होता है जो जिनको जिसको हम जो है वो एक रिएक्शन की फॉर्म के अंदर जिस तरह लिखते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन का आइसोटोप है 14-7 है, इसके ऊपर हीलियम के बम्बार्डमेंट कराए तो हमें ऑक्सीजन मिला और एक प्रोटॉन मिला, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट मिला, ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल वे है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, एक वो जो टारगेटेड वो था न्यूक्लियस का जिसके ऊपर हमने बम्बार्डमेंट कराई और हमें एक और आइसोटोप मिला, ठीक है, और हमारे पास ये एक जो है ना वो इजेक्टेड पार्टिकल मिल गया। एक तो तरीका कार हमारे पास ये होता है। सेकंड भी हमारे पास ये होता है कि हम इस तरह लिखते हैं इस फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास टारगेटेड हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर हमारे पास टारगेटेड न्यूक्लियस नाइट्रोजन था, तो हमने यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन 14-7 लिखा ब्रैकेट, ये हमारे पास है अल्फा। अल्फा को रिप्रेजेंट करता है बम्बार्डिंग पार्टिकल, उस आइसोटोप उस न्यूक्लियस के ऊपर हमने जिस पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास पी, पी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, इजेक्टेड पार्टिकल, ये जो पार्टिकल इजेक्ट हुआ हमने इसको डिनोट किया पी से, और उसके बाद फिर हमने लिखना है प्रोडक्ट न्यूक्लियस, जो हमारे पास एक और न्यूक्लियस बना। साइडों पे हमने वो लिखने हैं, एक एक लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखना है जिसके ऊपर हमने बम्बार्डमेंट करवाई, जो हमारे पास टारगेटेड न्यूक्लियस था वो है, लास्ट में हमारे पास लिखा प्रोडक्ट न्यूक्लियस, और दरमियान में हमारे पास दो पार्टिकल, एक बम्बार्डमेंट पार्टिकल है और एक इजेक्टिंग पार्टिकल है। तो ये दो वेज हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को लिखने के लिए फॉर अ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, हमने जो है ना ये हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन का हमने बताना है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के तौर पे जिसको हमने खुद सॉल्व करना है। सो विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू ट्रांसमुटेशन रिएक्शन,
अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि कौन से रिएक्शन है जो कि ट्रांसमुटेशन रिएक्शन को शो कर रहे हैं। ट्रांसमुटेशन रिएक्शन वही रिएक्शन होंगे जिसके अंदर एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा होगा, कन्वर्ट हो रहा होगा। सो विच न्यूक्लियर रिप्रेजेंट, अब ये कह रहे हैं कि ये कौन सी रिएक्शन ऐसे हैं जो कि नेचुरल ट्रांसमुटेशन को, नेचुरल ट्रांसमुटेशन कौन सी ट्रांसमुटेशन होती है जिसके अंदर कोई भी हम आउटसाइड को इसके अंदर कोई ऐड नहीं होता, मतलब कि हम कोई उसके ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं करवाने होंगे, कोई बम्बार्डिंग पार्टिकल उसके अंदर नहीं होगा, वो खुद ब खुद हो रहा होगा। तो ये हमारे पास आई थिंक ये वाला जो है ये एक नेचुरल ट्रांसमुटेशन इसके अंदर लास्ट वाले में हो रही है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, अब न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप्स को स्टडी करते हैं। फॉलोइंग आर द सम टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप ये है कि सम न्यूक्लियर रिएक्शंस हैव मोर देन टू फाइनल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन, सम टाइम न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हमें जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो दो से ज्यादा मिल रही होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे P11 है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई, तो हमें यहाँ देखें दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर भी देखें तो हमें तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन एक की एक टाइप ये भी है कि हम उस हमें हमें समटाइम्स न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दो से ज्यादा मिल रहे होते हैं। सेकेंड टाइप कौन सी है, समटाइम्स द न्यूक्लियर रिएक्शन हैव जस्ट वन प्रोडक्ट, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिले, ठीक है। वेयर एस्टरेसिक इंडिकेट्स एन एक्साइटेड स्टेट विच यूजली डिके बाय द मिशन ऑफ द गैमा रेडिएशन, ठीक है। तो ये भी ये सेकंड सेकंड टाइप है जिसके अंदर हमें ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक प्रोडक्ट मिले। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस मोर देन द टू रिएक्शंस आर पॉसिबल। कुछ रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं इन सम सम सर्कमस्टांसिस के हमारा जो रिएक्टेंट है वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, सॉरी वो भी दो से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने तीन यूज किए रिएक्टेंट, हीलियम के चार आइसोटोप, तीन आइसोटोप हमने यूज किए हैं, 4-2, 4-2, 4-2, हमने तीन रिएक्टेंट यूज किए हैं और हमें ये प्रोडक्ट मिला है। सो टेक प्लेस इन द ओवर हीटेड प्लाज्मा ऑफ द स्टीलर इंटीरियर्स। जो ओवर हीटेड प्लाज्मा होते हैं स्टीलर इंटीरियर, वहां पे बाज़ूकात इस तरह के रिएक्शन जो है वो किए जाते हैं। फोर्थ टाइप है हमारे पास, द इनिशियल एंड द फाइनल प्रोडक्ट कैन ऑल्सो भी आइडेंटिकल इन सम केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन भी होते हैं जिनके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, इनिशियल और द फाइनल प्रोडक्ट्स विल बी द सेम, कि वो दोनों की दोनों ही सेम हो, जो ही हमने रिएक्टेंट दिया वही हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमें रिएक्टेंट मिला वही प्रोडक्ट मिल गए तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन ही नहीं हो रहा, ऐसा हरगिज नहीं है। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है, जी हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है, क्या हुआ है उसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई है। इन सच रिएक्शन देयर इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड द टारगेट। जो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस था और जो टारगेटेड न्यूक्लियस था उसमें हमने क्या हुआ है कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है उसके अंदर, तो एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो इट्स मीन न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है। चाहे हमारे इनिशियल और द फाइनल प्रोडक्ट सेम है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन उसके अंदर हुआ है। इन सम ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, फिफ्थ टाइप है, इन सम ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन द सेम रिएक्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन हैव वेरियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। सॉरी, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरह के भी होते हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट सेम है लेकिन उस रिएक्शन को जब हम दोहराते हैं दो या तीन दफा वो हर दफा हमें प्रोडक्ट डिफरेंट मिल रही होती है। इसी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरह के रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स तुम्हारे सेम है, रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हमने यूज किए हैं वो सेम है लेकिन उसकी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमें मिल रही है ना वो हर बार चेंज होती जा रही है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द कोलिजन ऑफ ड्यूट्रॉन विद द 238-92 यूरेनियम गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम जो है जी जो सॉरी द कोलिजन ऑफ ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम D2-1 की जो कोलिजन है अगर उसको यूरेनियम 238 के साथ कोलिजन करवाते हैं तो हमें ये फॉलोइंग रिएक्शन मिलते हैं। ये रिएक्शन हमने चार दफा रिएक्शन करवाया, हर दफा हमारी रिएक्शन के रिएक्टेंट तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट हर दफा चेंज होती जा रही है। पहले में हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पे इसके जो न्यूट्रॉन्स थी तादाद उसकी इसके इसने इसे यहाँ से दो न्यूट्रॉन ले लिए, ये 240 हो गया, ये 92 हो गया, हमें एक गैमा मिल गया, ठीक है गैमा रेडिएशन। यहाँ से हमने 239 मिला और यहाँ पे 93 मिल गया, 10 हो गया, एन हो गया। यहाँ पे हमें क्या मिला, P11 मिल गया और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, T31 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं, इस तरह के हमारे पास यहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकते हैं। और ये P11 हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिपिंग रिएक्शन है। स्ट्रिपिंग रिएक्शन में ये स्ट्रिपिंग रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर जो हमारे पास जो ड्यूट्रम ने जब कोलिजन किया यूरेनियम के साथ
तो उसके यूरेनियम के एक आइसोटोप ने उसमें उससे एक एक प्रोटॉन ले लिया, ठीक है, उससे उसे एक प्रोटॉन ले लिया, तो उसके अब टोटल जो तादाद होगी न्यूट्रॉन की वो 239 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनवर्स टिपिंग रिएक्शन है, इसमें से इनवर्स टिपिंग रिएक्शन में क्या होता है कि ड्यूट्रियम ने इससे जो जिस आइसोटोप्स के ऊपर जिसके यूरेनियम के साथ उसने कोलिजन किया है, उसमें से एक उसने एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाल लिया, खुद ले लिया, तो वो खुद ट्रिटियम बन गया, T3 बन गया। तो वो होते हैं इनवर्स टिपिंग रिएक्शन एंड द पिकअप रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी किया, फिर हमने देखा कि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन किन किस 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 तरह होती है, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।